देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सही मायने में मोदी जी, आप एक प्रखर वक्ता और देश का सबसे बड़ा मुखौटा है, तो आप एनआरसी पे, सीएए पे, एनपीआर पे स्टैंड को क्लियर कीजिए। जैसे दूध का दूध पानी का पानी होता है, तब देश की जनता आप पे विश्वास करेगी, नहीं तो विश्वास खत्म हो चुका है। और एनआरसी सीएए से अलग भी हट करके देश के जो 60% युवा बेरोजगार हैं उसके रोजगार की बात कीजिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से लोगों को निकाला जा रहा है, प्राइवेट फैक्ट्रियां बंद हो रही है और आप सीएए, एनआरसी, एनपीआर की बात कर रहे हैं। आज किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म का बेटा हो जो पढ़ा लिखा है, युवा है, उसको रोजगार चाहिए, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, शाम को रोटी चाहिए, परिवार की खुशियां देखते हैं वो, इसलिए उनके लिए सोचिए, नहीं तो भविष्य दूसरे ओर जा रहा है। आप देश में ही मुझे लगता है कि एक युद्ध का माहौल बन चुका है। तो अब 1857 में जो लड़ाई लड़े हम लोग, अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ा, अब उस लड़ाई को आप हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और नकली हिंदुत्व और असली दलितवाद में मत उलझाओ। ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, देश के जिम्मेवार व्यक्ति प्रधानमंत्री महोदय। जय हिंद, नमस्कार। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।